बेनी प्रसाद वर्मा समय जलजला हुआ करता था। तो मैंने जूता फेंक करके मुलायम सिंह का स्वागत किया था। अक्सर कमला रावत भी मिलने के लिए आए, लेकिन जेल से छूटने के बाद में मुझे अब देखो भैया देखो, जैसे जेल से छूटे थे सिद्धू जी, जोरदार बकदा शहर में स्वागत होती है, गजब का जलवा देखे खातर मिलती है। सिद्धू जी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन भैया इनके जवानी के किस्से लोग हमेशा याद रखेंगे। देखा तो 3 साल पुराना वीडियो हम इनका ढूंढ निकाले, बढ़िया लाल कृष्ण अडवाणी जी के साथ अपनी फोटो भी दिखावत रहे और अपने बारे में बताई तो रहे कि देखो भैया तुमका कहा बताई, जब बाराबंकी शहर के रही जयसी माँ मुलायम सिंह यादव जी तब मुख्यमंत्री रहे, जनसभा का संबोधित करे खातिर आवती है, हम स्टेज की तरफ जूता चला दी था और एक थोड़ी बकदा बमो तैयार करके ले गए, तंबाकू वाला बम रहा पेट्रोल का, उका फोड़ी थन विस्फोट हो जाती है। तनिक सुनो भैया, बहुत कायदे बात बतावत रहा है, अपने जवानी के खिस्से बतावत रहा है कि देखो भैया पुलिस वाले पकड़ो ली ना हमका, एनकाउंटर की पूरी साजिश बनावत रहा है, लेकिन सब कुछ नाकाम हो गया और बिना शर्त के पुलिस वालों का छोड़ना पड़ा। अयोध्या बाराबंकी का एक हिस्सा है और अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा और इस आंदोलन से जुड़े हुए बाराबंकी में कई लोग हैं, उसमें से हैं श्री सुधीर कुमार सिंह सिद्धू जी, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, राम मंदिर आंदोलन के बहुत ही निकट रहे हैं। हम आज आपसे जानेंगे कि किस तरह से संघर्ष में आप भी कई बार जेल गए। सिद्धू जी, ये आपके हाथ में एक मोबाइल तस्वीर है, मोबाइल में देखिए आडवाणी जी के साथ में हैं सिद्धू जी, एकदम नौजवान लग रहे हैं ये। आप उस आंदोलन की बात ज़रा हमको बताइए, एक बार मुलायम सिंह जी ने कहा था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन आपने कोई विस्फोट किया था उनकी सभा में। ये 27 दिसंबर 1989 की बात है, कार सेवकों पर दबाव बनाने के लिए जब लोगों ने कहा था अयोध्या कूच करेंगे, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था प्रदेश में घूम घूम करके कि परिंदा पर नहीं मार सकता अयोध्या की ओर। उनकी सभा में राजकीय इंटर कॉलेज पे 27 दिसंबर मुझे आज याद है, उस दिन उनकी जनसभा चल रही थी और मैं छुपते छुपाते वहाँ पर पहुँचा, मेरे साथ में मेरे कुछ साथीगण थे, उन लोगों ने मुझे घेरे में लेकर के वहाँ तक पहुँचाया। पहुँच करके जब मैं वहाँ पहुँचा, एक साधारण व्यक्ति की तरह से मैं वहाँ पर अखबार में लपेट करके अपना पुराना जूता और काला झंडा और विस्फोट करने के लिए उस समय हम लोगों ने अपने तरीके से बनाया था, एक तंबाकू के डिब्बे आते थे, उन डिब्बों को हमने जेब में रख के ले गए थे, उनमें पेट्रोल से डाल करके हम लोगों ने उसको बलेता बनाया था। जैसे ही मुलायम सिंह यादव ने सभा में बोलना शुरू किया, वैसे मैंने पहले जूता फेंका, जूता फेंकने के बाद में काला झंडा निकाल करके उनको दिखाया और उसके बाद में मैंने तुरंत माचिस लगा करके और डिब्बे को वहाँ से उछाला, तो भड़ा भड़ की आवाज़ साथ जो मेरे सहयोगी थे उन सब ने भी उसी प्रकार से विस्फोट करना शुरू कर दिया, तो मुलायम सिंह यादव जी की सभा में भगदड़ मच गई और वो खुद सभा में बोलने लगे कि ऐसे काले नीले पीले झंडे मैंने बहुत देखे हैं। अब जैसे उधर बकदा मुलायम सिंह यादव जी मन से कहते हैं कि देखो भैया काले पीले झंडे हमने बहुत सारे देखे हैं, होना का था भैया इधर बकदा ये विस्फोटों कर देती है तो भगदड़ मचे लगाती है, उसके बाद तुरंत पुलिस वाले इनका फट से पकड़ लेती है और उठा करके जीप में डाल देती है। विस्फोट के बाद क्या हुआ? विस्फोट के बाद में वहाँ पर उस समय तत्कालीन कप्तान गोपाल गुप्ता थे और यहाँ का भोलानाथ यादव एक आतताई इंस्पेक्टर हुआ करता था, उन लोगों ने मुझे वहाँ पर टांग लिया और मुझे हाथ पैर पकड़ करके घसीटते हुए वहाँ से लेकर के आए और मुझे जीप के अंदर डाल दिया। मेरे साथ में उस समय एक नौजवान अधिवक्ता हुआ करते थे सुकुमार शुक्ला, वो भी थे, हम दोनों को जीप में डाल दिया गया। हमें लगा और वहाँ पर उपस्थित हमारे साथियों को लगा कि हम लोगों को ले जा करके कहीं पर काउंटर किया जा सकता है, इसको लेकर के पूरे शहर में भयावह स्थिति फैल गई। पुलिस लाइन में जब हम लोगों ने वहाँ पर कहा कि हम लोग जब तक कि अपने परिजनों से अथवा अपने नेताओं से बात नहीं कर लेंगे, तब तक कि हम सब लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तब हम लोगों को रात में 8 बजे के बाद हम लोगों को बंद जीप में ले जा करके पुलिस के वैन में बाराबंकी जेल पहुँचाया गया। जेल के ऊपर भारी संख्या में लोग वहाँ पर पहले से ही घेरा बनाए इकट्ठा थे, उन लोगों के ऊपर तितर बितर करने के लिए बार बार लाठी भी चार्ज की जा रही थी, लेकिन बाहर जेल पे जमावड़ा बना रहा। उस समय के तत्कालीन सांसद कमला रावत भी मिलने के लिए आए, लेकिन जेल के लोगों ने मिलने का अनुमति नहीं दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू केदार बख्श सिंह एडवोकेट और पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित दोनों लोग आए और केदार बख्श सिंह ने अपना वकालतनामा दाखिल करते हुए जेलर को वहीं पर कुछ लिख करके दिया, जेल मैनुअल के हिसाब से उसे निकाल करके हम लोगों को वहाँ पर जेलर के कमरे तक लाया गया
और हमको जब पूरे लोगों ने देख लिया कि हम सुरक्षित हैं, तब वहाँ से जनवाना जो हजारों की संख्या में एकत्रित था लौट करके गया। मैं आज वो दिन याद करता हूँ कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, दूसरे मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा, जिनका बाराबंकी जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में उस समय जलजला हुआ करता था, दोनों की सामूहिक रैली में 50,000 की भीड़ के अंदर जिस प्रकार से मैंने जूता फेंक करके मुलायम सिंह का स्वागत किया था, विस्फोट करके मुलायम सिंह का स्वागत किया था, कार्यसेवकों की भावनाओं को उजागर करके मैंने प्रदर्शित किया था, मुझे लगता है आज ये सपना मेरा साकार हो रहा है। अब इनकी मेहनत रंग लाई भैया और आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर बन गया, इनका सपना साकार हुआ। लेकिन जब बकदाई जेल से छूटे थे तो इनका जोरदार स्वागत होती है भैया, शहर का हर नागरिक पहुंचा थे, हर आदमी पहुंचा थे इनका स्वागत करे खातिर। रिहा होने के बाद बाबू केदार वक्त सिंह एडवोकेट मेरे वकील पहुंचे थे और मुझे बिना शर्त रिहाई किया गया था। 3 दिन आंदोलन चला था, सारा शहर बंद रहा था, सारी कलेक्ट्रेट बंद रही थी। मुलायम सिंह जी के खिलाफ आपने जेल से छूटने के बाद में मुझे जबरदस्त तरीके से लोगों ने स्वागत किया और फिर उसके बाद सिंह यादव को दंडित करो की मांग को लेकर के मैंने कलेक्ट्रेट को घेरने का काम किया। अब राम काज खातिर भैया बहुत लाठी खाई और बिल्कुल शांत नहीं बैठे, जेल से छूटे के बादों लगातार इनका आंदोलन जारी रहा, उसी का परिणाम रहा कि देखो भैया आज अयोध्या में राम मंदिर बनवा का बात है, इनका सपना साकार होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शंभा साहू को सुपर मिलेगी तो बेल आइकन जोर दवा दीजिएगा। बाकी भैया देखो, इनकी आत्मा को भगवान जी शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे।